मैं सूरज आप लोगों का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मेडिका मंत्रा पर। आज हम लोग सेल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी को समझने के लिए, है ना, जो कि आपको 11th में पढ़ना है। 11th के सिलेबस का पार्ट है सेल, एंड इसके बाद एक चैप्टर इससे से रिलेटेड सेल डिवीजन का है। पहले सेल हमें समझना है, देन उसके बाद हम सेल डिवीजन समझ पाएंगे या आगे की हम पूरी बायोलॉजी समझने में बहुत हेल्पफुल है। ये जैसे हमने केमिस्ट्री के लिए हमने पढ़ा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें समझनी है तो IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें समझनी है, बहुत डेप्थ तक इसकी स्टडी है, इजी हमें महसूस करना है तो हमें आपका पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर आपको बायोलॉजी में बहुत कंफर्टेबल फील करना है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरी एनर्जी के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और बहुत फोकस्ड होके इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। 9th में भी हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझा होता है, पढ़ा होता है ना। यहाँ पे आके आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है, एक थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना है, पूरा इमेजिनेशन क्लियर करना है ना। एक्चुअल में क्या है सेल, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेल कितने टाइप्स का है, सेल की स्टडी हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें आपको समझनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल का चैप्टर, ठीक है। सेल यहाँ पे इस चैप्टर के साथ ही हम एक वर्ड लिखते हैं, नाइन एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इसकी बात हम आगे बात करेंगे, बट पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं नीट लेवल के, है ना, नीट के एग्जाम के लेवल के, जो आपको समझने हैं, पढ़ने हैं। आपको अगर एग्जाम देना है मेडिकल का और बोर्ड का भी एग्जाम में ये सारा सिलेबस आपसे पूछा जाता है, तो ये पहले हमें सिलेबस क्लियर हो। अगर हमें सिलेबस क्लियर है तो हमें आसानी से समझ में आएगा क्या क्या पढ़ना है ना। नहीं तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रेशर बना रहता है कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पहले समझना है, सिलेबस का बात करना है। तो ये जो क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं वो पहले आपको देखना है। क्या हमें पहले सबसे समझना है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है ये समझना है। फिर हमें सेल की डिस्कवरी पे कुछ बातें करनी है जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेल थ्योरी क्या है ये समझना है। देन सेल के स्ट्रक्चर पे आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल से मिलकर एक सेल के अंदर एक कोरिलेट, ये सभी ऑर्गेनल्स एक कोऑर्डिनेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक साथ अपना जो भी इनका वर्क है वो करते हैं सेल के अंदर। ये एक सिस्टम बनाते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम सेल के अंदर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, है ना। ये थ्री टाइप्स के हैं आपके, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो किसी प्लांट सेल्स में देखने को मिलेंगे, राइबोसोम, है ना, किचन ऑफ द सेल, साइटोस्केलेटन, सेल के शेप एंड साइज को फिक्स या डिसाइड करने का जो जिम्मा जिसका काम है, दैट इज द साइटोस्केलेटन, जो कि मिलकर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन सारे और स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। एंड द लोकोमेट्री ऑर्गन, दैट इज द सीलिया एंड फ्लैजिला, कुछ सेल्स के पास ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, वो हम देखेंगे। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दैट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, वो हम आगे देखेंगे क्या है इनका काम, क्या है स्ट्रक्चर, सारी चीजें पढ़ेंगे। माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ना है, देन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, एंड फाइनली न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लिक एसिड दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम, वो हमें आपको इस चैप्टर के एंड में पढ़ना है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमें आपको बात इस चैप्टर में करनी है। ये टॉपिक्स हैं, ये आपका सिलेबस है। अगर ये इतना आपके ध्यान में, पहले आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने फर्स्ट पेज पे इन टॉपिक्स को नोट कर लेना है, फिर एक एक टॉपिक पे जैसे जैसे बात होती चली जाए, आपको कवर होता चला जाए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता चला जाएगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है, ये टेंशन खत्म, ये प्रेशर खत्म, है ना। इस टॉपिक्स को आपको नोट जरूर करना चाहिए क्या क्या आपको पढ़ना है, है ना। तो पहले टॉपिक पे हम आते हैं, क्या हमें पढ़ना है, व्हाट इज अ सेल, ठीक है। एक सेल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि सेल के साथ हमने स्टेटमेंट लिखा है,
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, सेल के लिए ये आपका एक फर्स्ट स्टेटमेंट है। हमें पहला समझना है व्हाट इज अ सेल, इस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल के लिए हम ये एक डेफिनेशन लिखते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। मींस ये जो लाइफ है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ कंटेनिंग एंटिटीज जो है दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जो जिसमें भी लाइफ प्रेजेंट है, जो लाइफ कंटेनिंग एंटिटीज हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एंड ऑर्गेनिजम्स आर ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेल है ना, सेल ही उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है या बेसिक यूनिट है ना। तो सेल के लिए हम लिखते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक। अब यहां पे एक वर्ड है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मींस लाइफ कंटेनिंग एंटिटी, जो भी इस नेचर में है, जो कि हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में जब भी पढ़ा था, जो चैप्टर आपने कवर किया होगा वहां पे पढ़ा होगा, लाइफ कंटेनिंग एंटिटीज को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इट में बी प्लांट, इट में बी एनिमल, इट में बी माइक्रोब्स है ना, जो कि इनविजिबल है, ठीक है। तो ये सभी हमारे किससे मिलकर बने हैं, पहला स्टेटमेंट, सभी ऑर्गेनिज्म आपका सेल से मिलकर बना है। मीन्स इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहां पे जो लिखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, मीन्स विदाउट मीन्स लेस देन सेल, एनीथिंग लेस देन सेल डू नॉट एग्जिबिट या डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, जो हम प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा, लाइफ की प्रॉपर्टीज जो हमने देखी होंगी, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर इस नेचर में नहीं है जो सेल से छोटा हो, लेस देन सेल हो, और वो लिविंग थिंग्स या लाइफ की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करे। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहां आपको क्या लिख लेना है इसके एक्सप्लेनेशन में, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों बोलते हैं, एनीथिंग लेस देन सेल डू नॉट सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, डू नॉट सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रॉपर्टी, या फिर जैसे हम इंडिपेंडेंट हैं इस नेचर में, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है हम आपका नेचर में, हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो सेल से छोटा हो और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो करे, एंड या फिर हम ये कह सकें कि उनमें लाइफ की प्रॉपर्टीज हो, है ना, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, सो दैट वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का, है ना, इतना क्लियर है, ओके। चलिए अब हमने यहां बात करी कि ऑर्गेनिज्म हमारा सेल से मिलकर बना है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो लाइफ कंटेनिंग ऑन एंटिटीज है, बेसिक यूनिट है। अब ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर, मींस वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो सकता है, या मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म
होगा, है ना। ऑर्गेनिज्म में भी यहां आगे लिखते हैं, जो हमने ऑर्गेनिज्म की बात करी, ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर मींस लाइफ फॉर्म हमारा एक सेल का भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर मींस कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, किससे, एक सिंगल सेल से मिलकर बना होगा, तब हम इसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर हम कब बोलेंगे, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, तब हम इसको बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल में आपने नाम जरूर सुना होगा, है ना, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी यूनिसेलुलर हैं। ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया सभी हमारे यूनिसेलुलर हैं। कुछ और नाम यहां पे आपने नाम सुना होगा, अमीबा का नाम, है ना, पैरामीशियम, युग्लीना, ये सभी लाइफ के फॉर्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, है ना, मींस एक सिंगल सेल ही लाइफ का फॉर्म है और सभी लाइफ जो भी जो इसेंशियल लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं ये सभी के सभी एग्जिबिट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ये इस नेचर में एग्जिस्टेंस है इनका, इसलिए हम ये क्या बोलेंगे, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एंड जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, नोट करके आपको याद रखना है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं दे आर प्लेस्ड इन टू किंगडम्स, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। जब अभी आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे हम देखेंगे, मीन्स अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय आर एच विटेकर। दो पहले किंगडम ऐसे हैं जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही रखा गया है, मोनेरा में एंड प्रोटिस्टा में। मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहां पे दो किंगडम ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, उनके नाम लिख लेना है, किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड्स या कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन करता है। बट मोनेरा के पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोटिस्टा के पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, अब यहां पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में हम अगर बात करें तो खुद हम आप हैं, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, प्लांट्स, जो आपके मैंगो प्लांट है, मैंगो है, मैंगो ट्री, है ना, और भी जो आपके काउ है, डॉग है ना, कैट है, ये सभी जो हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, ये सभी के सभी हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, ना, जैसे हम आप अपनी बात की करें तो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इसको आप नोट। अब नेक्स्ट जो बात हमें समझनी है, हमने तो ऑर्गेनिज्म की बात कर ली, ठीक है, एक हमारा जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हमने क्या कहा, दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो लाइफ की इसेंशियल एक्टिविटीज हैं दे आर टेक्स प्लेस इन साइड या इन अ सिंगल सेल, सो दैट दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, या फिर हम ये कह सकते हैं सो दैट दे एग्जिबिट द
ऑल इसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। ठीक, तो यहां पे एक सिंगल सेल के अंदर भी हमारा जितना भी इसेंशियल एक्टिविटी है लाइफ का वो हो रहा होता है, चल रहा होता है ना। इसलिए अब यहां पे इसके पहले ही हमने बात करा कि लेस देन सेल, कोई भी छोटा सा मींस सेल से छोटा कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इसेंशियल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, है ना, इसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म हो सके उस स्ट्रक्चर में। इसलिए हम सेल को एक और स्टेटमेंट से लिखते हैं सेल की डेफिनेशन में, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फिर हम सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं, है ना। यहां पे एक डेफिनेशन और लिख रहे हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल क्या है, फंडामेंटल मींस इसको हम अभी तक हमने लिखा क्या, बेसिक यूनिट, बेसिक भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल मींस सभी लाइफ की एक्टिविटीज सेल के अंदर, मींस सेल के सेल ही हमारा सभी लाइफ का जो फॉर्म है उनका स्ट्रक्चर है, जैसा भी स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना हुआ है, है ना। एंड फंक्शनल, जितनी भी इसेंशियल एक्टिविटीज हैं या फिर जो उस लाइफ का फॉर्म है जो एग्जिबिट कर रहा है एक्टिविटीज, वो सभी सेल के में ही हो रहा है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये तीन डेफिनेशन आपको याद रखने हैं, सेल बेसिक यूनिट है, सेल हमारा स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट है, है ना, लाइफ का, ऑर्गेनिज्म का, ये इतनी बातें आपको सेल के बारे में याद रखनी है। ठीक, और सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करनी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ द सेल। आज हमारा सेल क्या है इस पे और टॉपिक्स क्या है वो कवर किया। आज के लिए इतना ही, थैंक।